हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो पहले डिटेल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, उससे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखेंगे जो रिलेटेड है, उसके बाद हम डिटेल स्टडी में जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में। हमें पहले ये समझना होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। अलग अलग गैमेट्स, मेल और जो फीमेल गैमेट्स है उनका फ्यूजन होके जाइगोट बनता है। तो उसके बाद ही माइटोसिस के थ्रू फिर सेल डिवीजन होके बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पे वेरिएशन दिखता है हमें ऑफस्प्रिंग्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इंपॉर्टेंट सी बात। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकते हैं, या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म में ये हो सकता है, जिसे हम बायसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट एनिमल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो फ्यूजन होता है, फिर गैमेट्स बने, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा, उसका डिवीजन होके ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये जो पैटर्न है, ये सेम पैटर्न हमें हर एक ऑर्गेनिज्म में दिखता है जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ओके, मींस जाइगोट का फॉर्मेशन, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एंड आफ्टर दैट जाइगोट फॉर्मेशन, एंड देन द कंप्लीट सेल डिवीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज कंप्लीटली यूनिवर्सल। तो ये सिमिलर है, मेथड सिमिलर है, मोड सिमिलर है, लेकिन हम ये जानेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स में क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो पहला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है जुवेनाइल फेज देन वेजिटेटिव फेज। इसके बारे में हम पहले जानेंगे, स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जुवेनाइल फेज? जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, उसने उसका बर्थ हुआ है और उसके बाद एक पर्टिकुलर पीरियड वो ग्रोथ के लिए लेता है, a certain period that organism requires to attain that maturity. तो maturity attain करने के लिए growth complete होना जरूरी है, और बाद में जब वो complete organism mature होता है या फिर growth उसकी complete हो जाती है, उसके बाद ही वो reproduce करना start करता है, right? तो reproduction का phase start होने से पहले जो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है, जितनी मैच्योरिटी उसमें आ रही है, वो जो फेज है कंप्लीट लाइफ का, उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ अप टू द रिप्रोडक्टिव फेज, व्हाट एवर चेंजेस अकर्स, व्हाट एवर ग्रोथ अकर्स इन दैट ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट द जुवेनाइल फेज। दिस इज द टर्म विच इज यूज इन द एनिमल्स। एनिमल्स के लिए जुवेनाइल फेज एक ये वर्ड यूज किया जाता है, जबकि हम अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। ओके, मतलब प्लांट, एक सीड आपने लगाया, सीड सो किया, उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, और बाद में जब वो उसकी जब फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग स्टेज तक आता है वो, तब तक इमीडिएटली तो फ्लावर्स नहीं स्टार्ट होते, तो कुछ वेजिटेटिव उसकी ग्रोथ होगी, उसके लीव्स बढ़ेंगे, उसके ब्रांचेस बढ़ेंगे, और उसके बाद फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पीरियड है जो प्लांट लेता है ग्रोथ के लिए, तो वो फेज हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। ओके, उस फेज को हम बोलेंगे वेजिटेटिव फेज, ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स में बोलेंगे जुवेनाइल फेज। क्लियर, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं एनियल प्लांट बाय एनियल प्लांट। एनियल प्लांट मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपको ईयरली, वंस इन अ ईयर दे विल शो फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग। तो ये एनुअल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हम मैंगोज देखते हैं, तो ईयरली वंस इन अ ईयर मैंगोज आते हैं, राइट। तो ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जिसमें हम थ्रू आउट ईयर फ्रूट्स देखते हैं, जैसे कि बनाना है, बराबर है, बनाना में अब तो एप्पल्स भी एनुअल ही होने लगे मोस्टली। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ये नोटिस कर सकते हैं कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सर्टन, मतलब एनुअली फ्रूट देंगे, एनुअली फ्लावर करेंगे, और उनका जो वेजिटेटिव फेज है और रिप्रोडक्टिव फेज है वो आप क्लियरली देख पाते हो, ऑब्जर्व कर पाते हो। जबकि कुछ अलग प्लांट्स हैं, जैसे कि ऐसे प्लांट्स जो
ईयरली ट्वाइस आपको फ्लावर्स देंगे, फ्रूट्स देंगे, उसे हम बोलते हैं बायएनियल प्लांट्स। ओके, बायएनियल प्लांट्स बोलते हैं। तो ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो दो बार आपको फ्रूट्स देंगे, जबकि यहाँ पे पेरिनियल प्लांट्स होंगे जो कंप्लीट ईयर, थ्रू आउट ईयर आपको फ्लावर्स और फ्रूट्स देते हैं। ठीक है, तो ये पेरिनियल, एनियल मतलब ईयरली, एक ही बार साल में एक ही बार, बायएनियल मतलब दो बार, ट्वाइस इन अ ईयर, एंड पेरिनियल प्लांट्स मीन्स थ्रू आउट द ईयर दे विल शो द फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन देम। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद एक्सेप्शंस भी हम देखेंगे, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इज द बाम्बू ट्री। ओके, सो बाम्बू ट्री इट शोज फ्लावरिंग आफ्टर 50 to 100 years। मतलब उसका जब आप प्लांट लगाओगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 to 100 years में आपको एक ही बार, वंस इन 50 to 100 years ऑफ लाइफ स्पैन ओनली वंस दे शो फ्लावरिंग, और जब ये फ्लावर्स देंगे, फ्रूट्स देंगे, फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है यहाँ पे बाम्बू ट्री में। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाम्बू ट्री। ओके, देन वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, दैट इज स्ट्रॉबिलेंथस, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी उसको बोलते हैं, नीला कुरंजी। नीला कुरंजी की स्पेशलिटी ये है कि ये ऑलमोस्ट 12 years में आपको एक बार, 12 years में एक ही बार आपको फ्लावर्स, फ्लावरिंग होती है इनमें। ओके, सो दे शो फ्लावरिंग आफ्टर एवरी 12 years, आफ्टर एवरी 12 years। ओके, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। तो ये जो फ्लावर्स है, ये जो प्लांट्स है, ये कहाँ पे मिलेंगे हमें, कहाँ पे देखने को मिलेंगे? हिली रीजन में मिलेंगे, केरला, कर्नाटका, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु के हिली रीजन्स में आपको ये प्लांटेशन दिखाई देगा, प्लांट्स दिखाई देंगे जो बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर्स दिखते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे पर्पल कलर के, जो 12 इयर्स में एक ही बार वो फ्लावर देते हैं। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बाम्बू ट्री एंड स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। ओके, तो ये हुए कुछ एक्सेप्शन। उसके बाद देखते हैं हम कि डायोशियस प्लांट क्या होता है, मोनोशियस प्लांट क्या होता है। अब जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तब हमें दिखता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो जिसके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है, जैसे सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो अलग अलग प्लांट होते हैं। मतलब मेल प्लांट अलग होगा उसका और फीमेल प्लांट अलग होगा। जैसे पपाया का होता है, आपने देखा भी होगा कि पपाया के मेल और फीमेल का प्लांट अलग अलग होता है। जिसमें और कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डेट है, सैगो है, स्पिनैच है। तो यहाँ पे डायोशियस मतलब दो, बायसेक्सुअल बोलेंगे या फिर सेक्सेस आर सेपरेट, और सेक्सुअल जो पार्ट्स रहते हैं वो अलग अलग प्लांट में आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग होंगे। यहाँ पे दूसरा जो है कंसेप्ट मोनोशियस प्लांट, जिसमें आपको क्या होता है, दोनों भी मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है एक ही साथ, एक ही प्लांट में आपको दिखते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, यहाँ हिबिस्किस का है, कुकुरबिटा का है, कोकोनट का है, चारा का है, और बहुत सारे एग्जांपल्स आप मोनोशियस में ले सकते हो। उसके बाद यूनिसेक्सुअल एनिमल एंड बाइसेक्सुअल एनिमल, ये बहुत आपको नोन भी होगा शायद, क्योंकि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स मतलब जिसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, ऑर्गेनिजम्स अलग होते हैं, जैसे कि ह्यूमन के केस में मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। वैसे ही फिशेस में आप देखते हो कि मेल फिश अलग होता है, क्रैब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, फ्रॉग्स भी मेल फीमेल अलग अलग से होते हैं, बर्ड्स, लिजार्ड, ह्यूमंस, ये इनमें भी मेल एंड फीमेल अलग से होते हैं। तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल एनिमल बोलेंगे हम, सेक्सेस आर सेपरेट। When it comes to bisexual animals, you can take example of tapeworm, earthworm, leech and starfish. So, अलग यहाँ पे bisexual मतलब दोनों भी, यहाँ पे हम इसको hermaphrodite भी बोलते हैं, hermaphrodites. कि hermaphrodites मतलब दोनों भी sexes, male and female sexual organs are found in of the same organism, same animal body, same body पे
मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर से एक बार देखते हैं, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, जो ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की अप टू द रिप्रोडक्टिव फेज उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। अगर प्लांट्स को हम स्टडी करते हैं तो प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज होता है फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के पहले, फ्लावरिंग से पहले जो ग्रोथ होती है प्लांट की, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है प्लांट की, लीव्स बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है, ब्रांचेस बढ़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। एनुअल प्लांट है, ईयर में एक ही बार फ्रूट देते हैं। दूसरा बायनियल, मतलब दो बार फ्रूट्स मिलते हैं यहाँ पे। पेरिनियल प्लांट्स में हमें थ्रू आउट ईयर मिलते हैं। यहाँ पे एक एक एग्जांपल हम ऐड कर देते हैं। एनुअल प्लांट के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पे मैंगो, जैक फ्रूट, यहाँ पे कुकुम्बर ले सकते हैं हम, कुकुम्बर, और शायद अपना ग्वावा भी हो सकता है यहाँ पे, कुकुम्बर ग्वावा। पेरिनियल में हम बनाना का तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो पेरिनियल है। ईयरली थ्रू आउट ईयर आप इसके फ्रूट्स लेते हैं, और कुछ एक्सेप्शंस के साथ यहाँ पे बांबू पड़ा हमने 50 to 100 ईयर्स में एक ही बार फ्लावर देता है, एक ही बार बहुत सारे फ्रूट्स देके उसकी डेथ हो जाती है। स्ट्रॉबेलेंथस कुंथियाना जो है नीला कुरुंजी, यहाँ पे 12 ईयर्स में ये फ्लावर देता है जो हिली रीजन में देता है। बहुत सारे टूरिस्ट लोग जो होते हैं वो वहाँ पे विजिट करने के लिए जाते हैं और बहुत ऐसे अच्छा सा फ्लावरिंग उनको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो ये सिर्फ 12 ईयर्स में एक ही बार होता है। तो एनसीईआरटी में दिया भी है कि 2006 में अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में इसका फ्लावरिंग हुआ था, शायद 18 में हुआ होगा, उसके बाद फिर 12 ईयर्स के बाद ये फ्लावरिंग शो करेगा। तो फुल ऑफ फ्लावर्स होता है ये स्ट्रॉबेलेंथस कुंथियाना जब वो फ्लावर करता है। डायोशीज प्लांट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल प्लांट है वो अलग अलग होता है। मोनोशियस प्लांट में दोनों भी एक ही साथ होंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, दे आर मोनोशियस प्लांट्स। यूनिसेक्शुअल एनिमल्स में अलग है। यूनिसेक्शुअल एनिमल्स में क्या है, मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं। ज्यादातर यही देखते हैं हम कि मेल फ्रॉग अलग है, फीमेल फ्रॉग अलग है, मेल फिश अलग है, फीमेल फिश अलग है। ह्यूमंस में तो है ही, कॉमन ही है। लिजार्ड में भी वैसे होता है, बर्ड्स में भी उसी तरीके से आपको यूनिसेक्शुअलिटी दिखती है। बायसेक्शुअल एनिमल्स में हम देखते हैं कि हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं वो। हर्माफ्रोडाइट्स मतलब दोनों भी सेक्सेस और सेम ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो टेपवॉर्म, लीच, अर्थवॉर्म, स्टारफिश आर द हर्माफ्रोडाइट्स। सो यहाँ पे हमने पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में आगे का पॉइंट हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ इवेंट्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, वो हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।